नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह चौधरी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के चैनल फ्यूचर प्रॉपर्टीज़ में। अभी हम लोग लेके आए हैं नेहरू कॉलोनी में ये वाला घर। इसका साइज़ अगर मैं बात करता हूं 45 गज में ये बना हुआ है और इसका जो इसमें आपको 4 बेडरूम मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये हार्ट ऑफ द सिटी नेहरू कॉलोनी में ये हाउस आपको मिलने जा रहा है। मात्र 45 गज में है ये, 4 बेडरूम के साथ में सेमी कॉमर्शियल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसा चाहें आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि शहर के बीचों बीच स्थित है। और जो लोग भी लोकलाइट हैं, जो देहरादून के हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है। 40 फीट वाइड रोड पर यहाँ पर जल्दी से जो भी प्रॉपर्टी उपलब्ध नहीं होती है। तो अब मैं आपको इसके अंदर से ओवरलुक कराऊंगा और इसके बाकी फीचर्स मैं आपको टेरेस पर जाके बताता हूँ। आइए मेरे साथ। यहाँ पर हमें स्टोर मिल जाता है एंट्रेंस पे, ये आपका टॉयलेट बाथरूम आपको मिलता है यहाँ पे, और एक बेडरूम आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है और एक बेडरूम आपको यहाँ पर मिलता है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये आप कवर कर सकते हैं क्योंकि बीच में अभी ये कवर्ड नहीं है, ये पूरा एक ही है, पूरा हॉल टाइप है ये। तो आप चाहें तो बीच में पार्टीशन करके इसको कवर कर सकते हैं जैसा आप चाहें। और ये पूरा देख लीजिए, इसका साइज़ मैंने बता रखा है आपको 45 का आपको इसमें मिलने वाला है पूरा साइज़ जो घर का मिलता है। दूसरी बात, इसमें आपको ये किचन मिलता है, किचन का साइज़ भी ठीक ठाक सा है। और अब मैं आपको ले जाना चाहूँगा ऊपर की तरफ, यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे आपको लेके चलता हूँ। आइए ओवरलुक, फटाफट चलते हैं एकदम फास्ट में। तो लीजिए दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से मैं ये रूम में एंट्री ले रहा हूँ। काफ़ी बड़ा रूम साइज़ है, देखिए ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो 15x15 का आपको ये रूम मिलता है, काफ़ी बड़ा है। टॉयलेट आपको अटैच मिलता है इसमें, और एक छोटा सा बेडरूम आपको यहाँ पर मिलता है जिसमें वेंटिलेशन की सुविधा है। सामने रोड है, 40 फीट वाइड रोड आपको सामने दिखती है। और यहाँ से अब मैं आपको ले जाना चाहूँगा टेरेस पे, किचन आपको यहाँ पर छोटा सा किचन मिलता है। टेरेस पे चलते हैं दोस्तों, मैं वहीं से आपको काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ। आइए। तो लीजिए दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों को टेरेस पे। हम लोग सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं, टेरेस पे खड़े हैं। मैं अब आपको की फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा, ये क्यों लेना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले वाय आता है, क्यों इस काम को करें, क्यों ना करें। तो मैं बताने वाला क्यों करें, क्यों खरीदें इस प्रॉपर्टी को। अगर आप चाहते हैं रेजी कम कॉमर्शियल आपको मिले तो ये बेस्ट प्रॉपर्टी आपके लिए है। यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है रेजिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल, यानी कि नीचे चाहे तो आप पूरा ग्राउंड फ्लोर आप एज ए कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर आप चाहते हैं रेंटेड इनकम आपको आए, तो रेंटल ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, तो आप रेंटेड इनकम के लिए आ सकते हैं, इसको ले सकते हैं। आप कहते हैं कि यार शहर के अंदर बच्चों को पढ़ाना है, कहीं जगह नहीं मिल रही, छोटी सी जगह मिल जाए, मेरे बजट के अंदर मिल जाए, तो ये आपके बजट के अंदर में रहने वाला है। प्राइस अभी बताऊंगा। दूसरी बात क्या है, यहाँ से घंटा घर की डिस्टेंस हार्डली 2 से 3 किलोमीटर पे आपको घंटा घर मिल जाता है। रिस्पना ब्रिज, जहाँ से कि पहाड़ी लोगों को पहाड़ पे जाना होता है चार धाम के लिए, आपको सारी चीजें मिलती है। GSR होटल पास में है, विधानसभा आपके पास में है, यहाँ से सचिवालय पास में है, मतलब यहाँ से आपको नियर बाय में सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ ISBT के डिस्टेंस की, ISBT हार्डली 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिलने वाला है। रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर पे मिलने वाला है। तो आप बताइए ये आपके काम का सौदा है या नहीं, वो आप सोचिएगा, वो आपका काम है। मेरा काम है अच्छी चीज रिसर्च करके लाना, आप लोगों को बताना। फ्यूचर प्रॉपर्टी इसी काम के लिए जाना जाता है। ये प्रॉपर्टी लेके आओ 40 फीट की रोड पर जल्दी नहीं मिलने वाला, आप सर्च कर लीजिए, पूरा देहरादून घूम लीजिए। 40 फीट की रोड पर इस प्राइस ब्रैकेट में आपको ये चीज नहीं मिलने वाली है। प्राइस है इसका मात्र 1 लाख रुपए के अंदर ये चीज आपको मिलने जा रही है। कंस्ट्रक्टेड है, आपको थोड़ा सा रिनोवेशन करना अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। नगर निगम के अंतर्गत आता है, MDD अप्रूव्ड है, आवास विकास में आता है, सब चीजें सब अप्रूवल्स आपको मिलने वाले हैं। शहर के बीचों बीच स्थित है। तो मुझे करण सिंह चौधरी को इजाजत दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहे। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर कीजिएगा, चूकिएगा मत क्योंकि ये प्रॉपर्टी निकलने वाली है। मुझे करण सिंह चौधरी को इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।